अपने दिल को भी अच्छा लगता है, दिल को भी काफी सुकून मिलता है। अगर साहब ऐसे हम पूजा पाठ करके चले आते थोड़ा सा अजीब सा लगता है। कोई बात नहीं, कष्ट क्या, हमारा काम है। हाँ वो तो है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मत बोल लो, तो अभी Hi guys, welcome back to our channel, Ravi Saman Vlogs. Hope you guys are fine. आज रवि उठा सबसे पहले 4 बजे, सबसे पहले मैं उठा आज, मैं ही उठा 4 बजे, ठीक है। तो उसके बाद उठी सुमन, तो आज हम जल्दी इसलिए उठे, हम जा रहे हैं आज बहुत सुबह सुबह अपने इष्टदेव कासिम के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। सुमन और मैं, मम्मी लोग नहीं आ रहे, इसको भी ड्यूटी भी जाना है, इसके ड्यूटी जाने से पहले हमको वहाँ से वापस आना है, लोगों को नहीं आ रहे। और देखो जीता जागता पांडा को अभी भी नींद आ रही है, थोड़ा सा आलस। अब हाँ आलस तो आएगा, अगर तुम डेली 6 बजे उठ रहे हो और एक दिन 4 बजे उठ गए तो ऑफकोर्स नींद आएगी। पापा ने कर रखा है, पापा और मम्मी, पता नहीं किसने करा, हमारे लिए कर रखा है गर्म पानी। पापा की चल रही इधर सुबह सुबह चाय की चुस्कियाँ। और देखो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ गांव आके गांव में बजेत गांव में थोड़ी लाइटें जली है। देखो तो गैस चलो नहा लेते हैं, पानी भी गर्म हो गया और मैं बाथरूम में नहीं नहाऊँगा, यहीं नहाऊँगा बाहर नल में। खुले में नहाने में कुछ और ही मज़ा है, खुले में खुली हवा के साथ में। हम नहा धो के आ गए, फ्रेश हो गए, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जो मेरे जैसे इंसान 2-3 दिन में नहाने वाले सुबह 4 बजे उठ के नहा रहे हैं तो ऑफकोर्स अच्छा फील होगा। मेरे साथ साथ में सुमन को भी अच्छा फील होगा क्योंकि अभी 2-3 दिन में नहाती है एक बार। अच्छा बताऊंगी तो अब हम चलते हैं पूजा पाठ, पूजा पाठ करते हैं। ये डब्बा तो चाहिए ना, ये पिठा था, ये वो था कि ये अच्छे थे ना, ये कुमकुम वो था, ये चंदन ना थी अच्छे ना, क्यों दे दो डब्बा आज डाल दो ये चंदन, ये दो माटी रे सा, ये चाहिए जो माटी था, फूल ले आई दो भाई पहले डाल दा फूल बात है। ये तो अभी हम लोग हो चुके हैं तैयार, अभी तो जैकेट वैकेट पहना क्योंकि ठंडा हो रहा है, अभी रवि भी पहनेंगे और मम्मी अब लगा रही है टीका। देवी मैया हमारे साथ साथ में आप सभी लोगों के ऊपर भी कृपा बनाए रखे। अब निकलते हैं, ठीक है मम्मी, ठीक है, ओके चला फिर, चलो सब बोलो जय देव कासिम की जय। चलो भाई ठीक है, ओके ठीक है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए रोड में, हम जाएंगे स्कूटी से खातड़ी तक, ऊपर रोड जाती है ना वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से पैदल जाएंगे और हमको जाना है ऊपर ना, जो लास्ट स्टॉप दिख रहा है ना इधर जहाँ बादल लगे हुए हैं कोहरा, वहाँ जाना है हमको। और चले फिर, अब रेडी हो? अच्छा बेटा यहाँ पे रखा था अभी तक मैंने, ज़्यादा सांड पंटी नीचे पहुंच चुके हैं खातड़ी से आगे, मतलब वैसे खातड़ी जो जहाँ मेरा कैंप लगता है वहाँ से आगे और खातड़ी गाँव ऊपर है उससे नीचे, तो अभी यहाँ से जाएंगे हम ऊपर को। तो ये जो रोड दिख रही है आपको ये जा रही है कनालचिना को, और ये रोड तो है, ये रोड जाएगी ऊपर खुआतड़ी के लिए, यानी यहीं से हम जाएंगे कासिम देव के मंदिर में। और अभी बैग थोड़ा आगे करने के लिए बैठे क्योंकि मेरे लिए असह्य हो रहा है पीछे साड़ी में, अब हमें करनी है ऑफ रोडिंग का मजा, अंदर पकड़े रखो ना। हाँ। तो अभी देख सकते हो आप कितनी खतरनाक रोड हो रखी है, फिर कैसा लग रहा है ऑफ रोडिंग करने में, डर भी लग रही है। यात्री गण कृपया अपनी सीट की पैटी बांध लें क्योंकि आगे बहुत खतरनाक वाली रोड है, ऊपर में है बस अब तो पहुंच ही गए थोड़ा सा। ओ भाई ये रोड है कि अभी थोड़ी अच्छी बना दी, यहाँ पे खराब थी। तो दोस्तों हम फाइनली खातड़ी के गांव में पहुंच गए, ऊपर वाली में पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में जहाँ पे तक रोड जाती है, मतलब वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो चले फिर अपना रास्ता स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली स्कूटी की जो जर्नी थी अब कर ली, अब यहाँ से हमारी जर्नी है पैदल वाली। कोहरा लगा देख सकते हैं, पूरा धुंध है। तो चलिए फिर मिस्टर, आज शादी के बाद हम दूसरी बार जा रहे हैं, तो चल रहे हैं मटक मटक के। अभी तो फटाफट आगे आगे चलो, जैसे चढ़ाई आएगी मेरे पीछे पीछे वहाँ से भी चढ़ ही लूंगा, देखते हैं। चलो 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 देखेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45, हम घर से कब निकले, 6:30 बजे निकले। हाँ देखो कितना मस्त नजारा लग रहा है, बाजू के जंगल है, बीजे बिहार नीचे पत्ते सफेद सफेद, कितने मस्त व्यू आ रहे ना।
अभी तो वीडियो बनाने के चक्कर में हो गया मैं पीछे, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। तो गाइस फाइनली हम अभी लास्ट पड़ोस में पहुंच गए खातड़ी के, इसका नाम है डल्यानी। इसके बाद फिर ऊपर को जंगली रखते हैं। देखो ये पड़ोस लास्ट पड़ोस है, इसके बाद सीधे ऊपर को जंगल। और सुमन भर रही है यहाँ से पानी, क्योंकि मंदिर में पानी होगा नहीं होगा, थोड़ा पानी चाहिए ना उधर, लेकिन होगा जहाँ तक मंदिर में टैंकी है, फिर भी एक अपना सेफ साइड चलना चाहिए ना, फिर भी चाहिए होता है। पानी के तो पार्ट होगी नहीं। हाँ वो तो है, पर उधर पानी है, टैंकी वैंकी बनी हुई उधर, तो अब तो अच्छा हो गया मंदिर में। प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ तुम्हारा? क्या प्लान हुआ नहीं हुआ सक्सेसफुल? सक्सेस हो गया मेरे लिए। दूध पीने के लिए, दूध पीने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो गाइस कौन होता है, लोग बस मंदिर में इधर उधर जाते हैं, चाय ले आते हैं, मैं दूध लेके आया हूँ। तो अब यहाँ से शुरू होती है असली चढ़ाई मंदिर की। बहुत ज़्यादा नहीं है, जंगल वाला रास्ता है थोड़ा बहुत। अब क्या गिलास मिल गई तो गिलास छोड़ोगे? गिलास छोड़ोगे ही नहीं, अब बैग में रख दो। हम पहुँच गए नौले में, थोड़ी बहुत थकावट भी हल्की हल्की सी और गर्मी भी हो रही थोड़ी सी। मेरे को तो नहीं हो रही कोई थकान, नहीं हो रही, सिर्फ गर्म हो रही है, थोड़ी याद ही नहीं है। और हम पहुँच रहे पर नौले में अभी इधर ना थोड़ा सा किसी चीज के कुछ पत्ते वत्ते गए, तो इस वजह से पानी भी कम हो गया। वैसे पानी भी कम हो गया, बरसात नहीं है ना, इस वजह से। तो अभी हम पानी नहीं पियेंगे यहाँ पे, और अब हम चलते हैं सीधा मंदिर मंदिर के लिए। और यहाँ पे से स्टार्ट हो गया ना मंदिर का गेट, पहला गेट। जय हो, हम बहुत जल्दी पहुंच गए ना आजकल यार, इतना टाइम पहले घर से पैदल आते थे, अपने घर से नदी पार करते हुए पैदल आते थे। नहीं नवरात्रि में हम भी पैदल आए घर से ही। आजकल तो फिर भी बहुत यार, खांतड़ी तक अगर गाड़ी आ गई फिर हाँ। तो बहुत, फिर तो कुछ भी नहीं यार, थोड़ा सा ही। यहाँ पे भी हमने दिया बत्ती कर दी, तो अब हम जा रहे हैं नीचे को, फिर हम यहाँ से जाएंगे मंदिर में। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पैरों में चुभ भी रहे, कंकड़ है, आराम से आना। मंदिर दिखने लग गया देखो गाइस, फाइनली अभी हम पहुँच गए अपने श्रीदेव कासिम के दरबार में। बहुत अच्छा लग रहा है, आज काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, लास्ट टाइम पे हमारी पूजा थी तावलों की, उस दिन आए थे। तो अभी चलते अंदर, पंडित जी की आवाज़ सुना दे रही, पंडित जी अंदर पूजा कर रहे हैं। अभी हम पहुंच गए अपने देव कासिम के प्रांगण में, और ये है हमारा मंदिर, और अंदर पंडित जी की चल रही है पूजा पाठ। अभी पंडित जी को अंदर पीठा फूल जो भी अपने चावल वावल होते हैं वो दे दिया। पहले झाड़ू लगा लेते हैं सुमन और मैं दोनों मिलके, अपने दिल को भी अच्छा लगता है, दिल को भी काफ़ी सुकून मिलता है। अगर साहब ऐसे हम पूजा पाठ करके चले आते थोड़ा सा अजीब सा लगता, बट हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अभी कितना क्लीन हो गया, हाँ इतना अच्छा मौका मिला हमें सेवा करने का मंदिर के दरबार में। तो गए झाड़ू लगाने के बाद अभी हम आ गए नीचे, नीचे हम आए अभी हाथ मुँह धोने के लिए। अब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ पे दूर दूर तक इतने नीचे एक नाला पड़ता है, एक नीचे बहुत नीचे है, वहाँ से पानी भर के लाते थे, या फिर एक खातड़ी जो आपको दिखाया था मैंने वहाँ पे। बट आज की डेट में इतनी अच्छी सुविधा हो गई यहाँ पे। देखो इतना बड़ा टैंक बना हुआ है हमारे कासिमधुरा के मंदिर में, देख सकते हो यहाँ 24x7 हमेशा पानी रहता है इधर। और उससे अच्छी बात शौचालय भी बना दिए गए हैं, चार यहाँ पे बने हुए, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि गंदगी भी नहीं फैलती है मंदिर, और ओवरफ्लो है पानी, देखो ऊपर से निकलता है। अब टाइम हो गया पूजा में बैठने का, और अभी टाइम हो रहा है 8:15। हमारी पूजा पाठ हो गई है, पंडित जी ने सारा कुछ संपन्न कर दिया, पंडित जी को बुलाया, थोड़ा कष्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो कष्ट क्या, कष्ट के दवा, हाँ वो तो है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी आज लास्ट टाइम में मिले थे शादी के बाद हमारे घर में, आज ही फिर आप श्रीदेव कासिम के प्रांगण में आज फिर से मुलाकात हुई। जय हो, सभी में कृपा बना के रखा श्रीदेव कासिम, जय हो, हर बार आते रहेंगे ऐसे ही हम। गाइस पूजा पाठ सब कुछ हो गई, पंडित जी को भी दूध पिला के, दूध हम अभी नहीं पियेंगे, एक बार ऊपर मंदिर में जाके उसके बाद पीते हैं, अब पंडित जी भी जाएंगे घर को। तो गाइस अभी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, पूजा पाठ सब कुछ समाप्ति हो गई, तो अब मंदिर का गेट लगा के अब चलते हैं। एक बार बोले जय श्रीदेव कासिम, हमारे साथ साथ में आप सभी लोगों में भी कृपा बना के रखें हमारे श्रीदेव कासिम। ऊपर एक मंदिर है ना टॉप में, तो सुमन और मैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी जरा हम दिया बाती जला के आते हैं, बालक क्योंकि बालक का मंदिर है बोलते हैं। तो सुमन की बहुत ख्वाहिश थी
दो तीन बार आ गई, तू जा नहीं पाती ऊपर अभी कुछ, कोई आज नहीं कहाँ साथ नहीं मिलते हैं, तो आ जाए तो ऊपर भी दिया बाती करके आते ना। पहुँच चुके हैं ऊपर बालक स्थान में, देख सकते हो मैं तो वैसे पहली बार ही आ रही हूँ अभी। हाँ इधर तुम आए होगे ना इधर। हाँ मैं तो इधर कितनी बार आया पर मैं पहली बार आ रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू भी टॉप से, लेकिन हाँ कोहरा कोहरा है पूरा। इधर की ऊपर की भी हमने पूजा वगैरह कर लिए, दिए वे जला लिए इधर भी, और अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे में। मतलब खाना वाना तो हम घर ही जाके करेंगे, अब लंच ही होगा सीधे। जो प्रसाद मिल रखा है मंदिर से वो खा लेते हैं, और दूध भी लेके आए थे ना, दूध पियेंगे, यहाँ पे बैठते हैं। और धूप भी नहीं आ रखी आज तो, धुंध धुंध बहुत बोल दिया। थैंक यू। और देख सकते हो आप मौसम के कचौ रखा है, कोहरा लग रखा है तो। अच्छा वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, लो गुड़ गुड़ और दूध इसमें से तोड़ लेना, इतना बड़ा मत खाना। कोहरा बादल भी नहीं लगा, अजीब सा हो रखा है, धुंध सी तो बहुत बोल लो। बहुत मेहनत लगा के फोटो खींची दो लोगों की एक साथ, सिंगल सिंगल तो चलो खींच भी ले इंसान, हरकत है कैसी हो ऊंचा ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने में दे बेचारे। कभी एक की मुंडी उड़ जा रही, कभी छवि एक ही आ रहा था, कभी दूसरा नहीं आ रहा था। टाइम पर लगा के भाग भाग के हालत खराब हो गई, मुश्किल से दो फोटो आई हमारी। बहुत है चलो कोई नहीं, और टाइम भी बहुत हो गया, तो फटाफट चलते हैं अभी, क्योंकि मुझे सेंटर भी जाना है और रवि को कनाल सीना भी जाना है। तो अभी हम फटाफट चलते हैं, नीचे जाने में तो खैर उतना टाइम नहीं लगेगा है ना। तो अब हम चलते हैं मंदिर को भी बाय बाय करके, अगली बार जरूर आएंगे। और हम पहुंच चुके हैं रोड में, अब फिर हम चलते हैं चलो। तो हम लोग आ चुके हैं घर के लिए, और मतलब रवि चले गए थे कनाल सिन्हा, उसके बाद वो सेंटर में आए मुझे लेने के लिए, और पहले छोड़ने के लिए आए, फिर कनाल सिन्हा गए, फिर मेरे को लेने के लिए आए, और अभी हम आ रहे हैं अब घर को, जा रहे हैं नीचे को। आ थक गए होगे को बहुत, क्यों सुन रहे हो तुम कार्टून लग रही हूँ क्या? कार्टून नहीं लग रही हूँ, पहले बहन जी नहीं होती थी स्कूल में आती थी, साड़ी वाड़ी पहन के हाथ में बैग ऐसे जैकेट पहन के, सेम बहन जी लग रही थी। यहाँ ठंडा हो रहा है, फिर ठंडे में कौन कोई लुक नहीं देखता है अपना भाई, बहन जी वाला लुक आ रहा है। और तुमने जो ये पटन अटन लगा के, मैं ग्वाली वाला, ग्वाला बेरोजगार आदमी, और मैं बहन जी सरकारी स्कूल की बहन जी, सरकारी नहीं यार, जिसमें 1500 सैलरी मिलती है, 1500 कहीं नहीं मिलती यार आजकल। तो गाइस अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।